अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। पुरानी कहावत है, लेकिन पुलिस विभाग का चोली दामन जैसा साथ कभी नहीं छोड़ता। यही कि पुलिस सांप का रस्सी बना सकती है और रस्सी का सांप भी। मेरठ के ग्राम खजूरी में भी ऐसा ही हुआ। हत्या के एक मामले में गवाह व पुलिस को दिए बयान में आरोपी बता रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद व हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने छत पर खड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में बता दिया है कि वहां ऐसी कोई नारेबाजी नहीं हुई। पुलिस ने धाराओं का खेल करते हुए धारा 302 को 304 में तरमीम कर दिया। पुलिस ने यह सारा खेल उन बयानों को आधार बनाते हुए किया है जो बयान गवाहों ने दिए ही नहीं। यानी पीड़ित पक्ष का खुला आरोप है कि ये बयान परीक्षित गढ़ के SO ने घर बैठकर उनसे बिना मिले ही लिख दिए हैं। यहाँ हम जिस प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं, उसने 2 माह पूर्व परीक्षितगढ़ थाना अंतर्गत खजूरी गांव में खासा बवाल खड़ा कर दिया था। प्रमुख अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई कि पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों ने एक ग्रामीण की जान ले ली। पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया था। दरअसल पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र को दिए एक शिकायती पत्र में अमर सिंह की पुत्री प्रीति ने आरोप लगाया कि गत 23 नवंबर 2019 की रात अरबाज, पुत्र पप्पू आदि करीब 19-20 लोगों ने उनके खजूरी स्थित घर के आगे पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी करते हुए जमकर फायरिंग की, जिससे उनके पिता की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई। इस पर ग्रामीणों ने फायरिंग करने वाले युवाओं को घेर लिया और पिटाई करते अरबाज, फिरोज, अजहर, हिमांशु, सुधीर, अनवर को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने हत्या व देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हुए सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्रामीणों ने उन वाहनों में भी तोड़फोड़ की जिनसे सभी हमलावर वहां आए थे। ये सभी वाहन क्षतिग्रस्त हालात में थाने में जमा है। जमानत की कोशिश हुई तो धारा 302 के चलते जमानत रद्द कर दी गई। आरोप है कि इसके चलते दोषियों को कोर्ट से राहत दिलाने के लिए पुलिस ने खेल कर दिया। पुलिस ने धारा 302 को 304 यानी गैर इरादतन हत्या को तरमीम कर दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि वहां पाकिस्तान के समर्थन में कोई नारेबाजी नहीं हुई है। इससे पहले पुलिस ने अपनी जो केस डायरी कोर्ट में दाखिल की, उसके मुताबिक अरबाज ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बयान दर्ज कराया कि 23 नवंबर को सुधीर के स्कॉर्पियो में वे घूम रहे थे। खजूरी गांव के पास उनकी कार गांव के ही किसी युवक की कार से टकरा गई, जिस पर कहासुनी में मारपीट हो गई। ग्रामीणों को आता देख वे वहां से निकल गए और दानिश, नवाजिश, सलीम कुरैसी, आबिद दिलदार, इंतजार सलीम अनवार को लेकर पुनः खजूरी गांव पहुंचे और शिव मंदिर के पास उस युवक से फिर गाली गलौज की जिसके साथ कार की टक्कर उनकी हुई थी। भीड़ जमा होती देख उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फायरिंग कर दी। एक गोली इस नारेबाजी का विरोध कर रहे अमर सिंह को जा लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन लोगों ने भागने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने अरबाज, फिरोज, अजहर, हिमांशु व सुधीर को पकड़ लिया, जबकि बाकी लोग भाग निकले। पुलिस के मुताबिक यही बयान अरबाज के अलावा फिरोज पुत्र, अबरार, हिमांशु, सुधीर, अजहर ने भी पुलिस को दिए। यानी पुलिस को दिए अथवा पुलिस ने दर्ज किए उनके बयान में न सिर्फ फायरिंग व उससे एक व्यक्ति की मौत और पाकिस्तान के समर्थन में हिंदुस्तान के विरोध में नारेबाजी की बात स्वीकार की गई है। यहां मारे गए अमर सिंह की पुत्री प्रीति ने सवाल किया है कि या तो तब पुलिस ने आरोपियों के गलत बयान दर्ज किए थे या फिर अब उसने अपराधियों से सांठगांठ कर उन्हें बचाने की रूपरेखा तैयार किया। धारा 302 हटाना व देश विरोधी नारों को आरोपियों द्वारा स्वीकारना व बाद में पुलिस द्वारा उन्हें अस्वीकार करना कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत की ओर इशारा करने के लिए काफी है। इस संपूर्ण प्रकरण का एक दिलचस्प व गंभीर पहलू ये है कि SO परीक्षितगढ़ कैलाश चंद ने मनसरोहर मेरठ स्थित प्रीति के आवास पर जाकर बयान लेने की बात केस डायरी में की है, जबकि प्रीति का कहना है कि थाना अध्यक्ष कभी उनके घर आए ही नहीं। जो बयान दिखाए जा रहे हैं वो फर्जी और हत्याभियुक्तों को लाभ पहुँचाने वाले हैं। इस आशय की शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस महानिरीक्षक व SSP से भी की है। प्रीति व भाई अमित कश्यप का कहना है कि IG ने 304 को 302 करने के निर्देश थाना अध्यक्ष को दे दिए हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें अभी ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि SSP या तो मिलते नहीं या फिर बिना कुछ सुने प्रार्थना पर कुछ लिखकर उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। जिस
सर, ये घटना 23 अक्टूबर की है, जहां कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए उन्होंने गांव में आकर ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग की, जो एक गोली मेरे पापा जी को लगी है और उसकी उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। तो सर, उसमें इन्होंने गवाही ली है थाना अध्यक्ष ने चार्जशीट बनाने के लिए कि क्या पाकिस्तान के नारे लगाए हैं या फिर आपने गोली मारते हुए देखा, तो सर उसमें हमारे बयान लिए हैं, जबकि हमारे पास कोई पुलिस वाले हमारे घर पे नहीं आए। उन्होंने खुद ये कहा था कि मैं मेरठ मवाना स्टैंड पर इनके घर गया हूँ, ये अपने घर पे मौजूद मिले हैं वीर सिंह जो मेरे पति हैं, जबकि ना ही उन्होंने कोई बयान लिए हैं ना ही वो हमारे घर पर आए। अगर हमारे घर पर आए तो वो हमारे घर की बताएँ कि वो कहाँ बैठ के उन्होंने बयान लिए। तो सर, सभी बयान पुलिस के झूठे हैं और उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए सब ये झूठी बयानबाजी की है, जबकि सर मैं कई बार सभी अधिकारियों से मिल चुकी हूँ, एसपी आरए सर से और एसपी क्राइम सर से, सब ये कहते हैं कि तुम निर्दोष लोगों को क्यों फंसा रहे हो। अगर सर वो निर्दोष लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि तुमने बीजेपी के कहने वालों से ये नाम लिख दिए हैं इसमें एफआईआर में, अगर हमने उनके कहने से लिखे हैं, तो सर आप सारे नाम काट दीजिए। जो 15-20 लोग मौके पर वहाँ आए थे, जिनकी 2 स्कॉर्पियो और 4 बाइक मौके से बरामद हुई है, राइफ़ल भी बरामद हुई है, तो सर वो लोग आप ला के दीजिए ना कि कौन है वो लोग, फिर कौन थे वो 15-20 लोग मारने आए थे। तो सर पुलिस पक्ष अपराधियों के पक्ष में है और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं अमित कुमार खजूरी का रहने वाला हूँ। हमारे 23 अक्टूबर 2019 को पापा जी के गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था। किला परीक्षितगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 302 में और 3 महीने तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई। हम 4 बार एसएसपी महोदय से भी मिले, एडीजी महोदय से भी मिले, आईजी सर से भी मिले, सभी से मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। पुलिस ने 302 का मुकदमा था, उस सिलसिले में कोर्ट में चार्जशीट लगा दी है। चार्जशीट में पुलिस ने थाना अध्यक्ष ने धाराएं चेंज कर दी, धाराओं में 302 को हटाकर 304 कर दिया गया। हम इस बारे में आईजी सर जो नए प्रवीण सर आए हैं उनसे भी मिले, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो है 302 में ही मुकदमा चेंज हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अब हम कोर्ट में, तारीख थी, कोर्ट में आए हैं तो यहाँ पर देखा है कि 304 में ही मुकदमा है। और एसओ साहब से, परीक्षितगढ़ से बात करिए, कैलाश चंद जी से, उनसे बात किए तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आदेश ही नहीं आया इस तरह का। आईजी सर ने, जबकि 25 तारीख के हिंदुस्तान अखबार में भी ये खबर आई थी कि आईजी सर ने आदेश किए हैं कि इस मुकदमे में 302 की वृद्धि की जाए, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी है। 3 महीने तक ना कोई पुलिस ने गिरफ्तार करे, अपराधियों के साथ उन्होंने साठगांठ कर ली है और धाराएं बदल दी हैं, जिससे हमारा मुकदमा कमज़ोर पड़ जाए और झूठे बयान लगाकर इस मुकदमे को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम अधिकारियों से मिले हैं, पर पुलिस प्रशासन भी सारा मौन है। जब भी मिलते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती है। अगर ये सुनवाई नहीं करते हैं तो हम सीधे जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ज़रूर मिलेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए FirstBite.tv या फिर विस्तृत खबर के लिए विजिट करें FirstBite India। नमस्कार।